जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहां पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है वह है ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कब कैसे होगा समाधि से ब्रह्म ज्ञान होगा इस प्रकार गुरु शंकराचार्य यहां पर ब्रह्म तत्व के ज्ञान की चर्चा करते हैं कि ब्रह्म तत्व का ज्ञान कैसे होगा तो ब्रह्म ज्ञान क्या है, सी बात है कि ब्रह्म तत्व का ज्ञान ही तो ब्रह्म ज्ञान कहा जा सकता है या कुछ और भी ब्रह्म ज्ञान कहा जा सकता है यह प्रश्न हमें स्वयं से पूछना चाहिए क्योंकि आज हमारे देश में आध्यात्मिक गुरुओं की संख्या कम नहीं कम नहीं है बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो ब्रह्म ज्ञान होने का दावा करती हैं या फिर ब्रह्म ज्ञान देने का दावा करती हैं कुछ संस्थाएं तो ऐसी भी मैंने देखी चलिए उनका नाम नहीं लेंगे ऐसी भी मैंने देखी उनके विचार सुने तो उनका शास्त्रों से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है कोई संबंध नहीं है उनकी बातों का शास्त्रों से लेकिन शब्द जो है जो शब्द प्रयोग वो कर रहे हैं वो शास्त्रों वाला ही कर रहे हैं जैसे ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं शिव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ध्यान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन अपनी अपनी परिभाषा लगा रहे हैं शास्त्र विरुद्ध परिभाषाएं लगा रहे हैं और अपने अनुयायियों को भी वही बता रहे हैं अब क्या है कि इतनी आध्यात्मिक दरिद्रता है आध्यात्मिक दरिद्रता बहुत अधिक बढ़ चुकी है बस समस्या इसी बात की है आध्यात्मिक दरिद्रता बढ़ जाने के कारण छोटी बात भी बहुत बड़ी लगती है जहां पर ना जो जो देश बहुत गरीब हो जहां बहुत गरीबी है बहुत बेरोजगारी है वहां पर पांच सौ हजार रुपए भी बहुत महत्व रखते हैं अगर किसी को मिल जाए तो किसी को उतनी तनख्वाह भी मिल जाए तो वो खुश हो जाए शायद ऐसी स्थिति किसी देश के या किसी क्षेत्र में अगर है तो, तो दरिद्रता वहां पर आ जाती है तो थोड़ा सा भी कुछ पता चलता है तो उनको लगता है कि शायद यही सब कुछ है और उसी के लिए मारामारी होती रहती है जैसे हमारे देश में ले लीजिए सरकारी नौकरी की बहुत मारामारी है नौकरी करनी है तो एकदम सरकारी वाली करनी है जी बनना तो नौकरी है ना कुल मिलाकर नौकर बनने का ही संघर्ष हो रहा है तो अब सरकारी वाली नौकरी करनी है एकदम मिल जानी पता नहीं सरकारी नौकरी मिल जाएगी जैसे सीधा स्वर्ग का सुख मिल जाएगा ना क्या मिल जाएगा यह समझ में नहीं आता सुखी तो फिर भी वो नहीं होते अभी पिछले वर्ष एक व्यक्ति मुझे मिले उत्तर उत्तर प्रदेश के थे यूपी पुलिस के में भर्ती हुई थी उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और एमबीए किया सुनिए लखनऊ से पढ़ाई लिखाई की और एमबीए किया और एमबीए करने के बाद जॉब ढूंढना चाहिए था या कुछ अपना बिजनेस व्यापार भी शुरू कर सकते थे तो लेकिन अब पूरे परिवार का जोर था बेटा सरकारी नौकरी करो सरकारी नौकरी करो सरकारी नौकरी करो और यूपी पुलिस के सिपाही में ही भर्ती हो गए या हवलदार में शायद भर्ती हो गए डिग्री उनके पास एमबीए की थी लेकिन भर्ती हो गए क्योंकि सरकारी नौकरी बड़ा महत्वपूर्ण है सरकारी नौकरी नौकर बनना था उनको तो इस प्रकार से जहां पर दरिद्रता आ जाती है वहां ऐसी स्थिति पैदा हो सरकारी नौकरी मिल गई ड्यूटी करने पड़ी नाइट ड्यूटी अब लाठी लेकर खड़े रहो स्टेशन के ऊपर उनकी ड्यूटी लग गई और उनको बड़ी परेशानी शुरू हो गई वो मेरे पास आए उन्होंने कहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ मैं बड़ा दुखी हूँ मैं तो कर रखा तो मैंने एम बी और अंग्रेजी भी अच्छी बोल लेता हूँ और वाकई में जब वो व्यक्ति मेरे सामने आया तो मैं उसे देखकर नहीं कह सकता हूँ वो इतना देखने में सुलझा हुआ इतने ढंग से कपड़े पहना हुआ और इतना स्मार्ट दिख रहा था कि उसको नहीं कहा जा सकता कि ये यूपी पुलिस का कोई सिपाही होगा लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरी के चक्कर में भर्ती हो गया कि सरकारी नौकरी लग जाएगी तो दहेज मिल जाएगा शादी होगी कुछ कुछ ऐसी विचारधारा उसके परिवार के संस्कार और वो तो एक वैचारिक दरिद्रता भी होती है मानसिक दरिद्रता भी होती है तो सत्य पूछिए तो हमारे देश में हम अपने विषय पर आते हैं तो मैं उस दरिद्रता को समझाने के लिए कह रहा था कि छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी दिखाई देनी शुरू हो जाती है तो अब क्या हुआ कि हमारे देश में इस समय आध्यात्मिक दरिद्रता परिपूर्ण है आध्यात्मिक दरिद्रता है और कुछ समय में तो काफी आध्यात्मिक दरिद्रता रही तो कोई छोटा सा भी किसी को कुछ ध्यान करा दे त्राटक क्रिया ही बिठा के करा दे कि देखो मैं ऐसे करवा रहा हूं वहां पर बैठ कर देखो और वहां ध्यान लगाओ तुम्हारा मन शांत होने लगेगा अब उस बेचारे का थोड़ा सा भी मन शांत होने लगे मन शांत होने लगे तो उसे लगता है कि हाँ मुझे बहुत बड़ी चीज मिल रही है और अगला बोलेगा यही ब्रह्म ज्ञान है यही ब्रह्म ज्ञान है जैसे समझा दिया गया कि सरकारी नौकरी मिल गई तुम्हारा जीवन सेट हो गया सेटल हो गया सेटलमेंट नामक कोई चीज लाइफ में नहीं होती है सबसे बड़ी बात तो यह है सेटलमेंट नामक लाइफ में कोई चीज होती ही नहीं है लाइफ कैसे सेटल हो जाएगी भाई अभी आपने पीछे व्याख्यान सुना प्रकृति क्षण क्षण बदल रही है तो जो जो क्षण क्षण बदल रहा है उसमें आप सेटल होने की बात करते हैं सेटल तो कोई आदमी निर्विकल्प समाधि में हो सकता है जो हम निर्विकल्प समाधि की चर्चा सुन रहे हैं वहीं पे सेटल हो सकता है और कहीं सेटलमेंट नहीं है ठीक है तो आध्यात्मिक दरिद्रता के कारण कोई थोड़ी सी कोई क्रिया भी करा देगा और बढ़ा चढ़ा के उसको बोल देगा अब उस व्यक्ति का अपना तो शास्त्रों पर अनुसंधान नहीं है अब मंत्रों का ही ले लीजिए मंत्रों का गायत्री महामंत्र अब ये गायत्री शब्द से बहुत कंफ्यूजन है गायत्री महामंत्र और गायत्री ही सर्वश्रेष्ठ है इन दो बातों में अंतर है गायत्री मंत्र और गायत्री में फर्क है हमारे शास्त्र कहते हैं प्रणव ही गायत्री है तो अब बताओ आप गायत्री मंत्र की बात करते हो शास्त्र कहते हैं प्रणव ही गायत्री है प्रणव ही गायत्री है तो फिर प्रणव का अभ्यास जाए जाए कि गायत्री मंत्र का अभ्यास किया यहां हो जाएगा फिर तो आध्यात्मिक दरिद्रता और शास्त्र ज्ञान की दरिद्रता है बहुत अधिक और मानसिक रूप से अशांत व्यक्ति घर परिवार का टेंशन नौकरी का टेंशन और कई तरह का परेशान व्यक्ति किसी संस्था में चला जाता है वहां बैठकर उसको दो चार मीठी मीठी बातें सम्मानपूर्वक रिस्पेक्ट देते हुए आदर देते हुए उसे बेचारी नौकर बेचारी नौकरी में उसकी तो कभी आदर उसको मिला नहीं उसके साथ काम करने वालों ने और उसके बॉस ने कभी उसको रेस्पेक्ट नहीं दिया कभी उसकी इज्जत नहीं दी नौकर की तरह नौकरी है तो नौकर की तरह काम करवाते रहे ऐसा कुछ समझ लीजिए अब कभी रेस्पेक्ट मिला नहीं किसी संस्था में चला गया उसे प्रेम से बिठाकर पानी पिलाया गया किसी आध्यात्मिक धार्मिक संस्थाएं जो आश्रम खुले हुए डेरे जो खुले हुए उनके लिए मैं कह रहा हूं वहां चला गया उसको प्रेम से बिठाकर पानी पिलाया गया थोड़ा उसको मान सम्मान दिया गया अब उसको लगने लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छी जगह है और मैं तो बड़ी अच्छी जगह आ गया हूँ और फिर उसे कुछ अभ्यास कराया गया और उस अभ्यास को कराकर कर कुछ चीज़ें बताई गई सुनाई गई अभ्यास थोड़ा सा कराया गया और सुनाया सुनाया गया कई मन बातें सुना दी गई और सुना दी गई और सुनने के बाद उसे बता दिया गया कि आपको ब्रह्म ज्ञान मिल गया है आपने जो यहां लिया है वह ब्रह्म ज्ञान है अब वो व्यक्ति आत्म प्रभावित हो जाता है सुपरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है और वहां पर उस माहौल में सब एक दूसरे को थोड़ा सम्मान देते ही हैं तो सुपरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि नाउ आई एम स्पेशल मैं अब स्पेशल हूं वहां वहां आप चले जाओ धार्मिक संस्थाओं में वहाँ के जो भी प्रचारक महोदय जो प्रवचन कर रहे होंगे बोल रहे होंगे चाहे वो गुरु जी के शिष्य विषय होते हैं ज्यादातर जो मुखिया होते हैं उनके चेले जो होते हैं वो ये बात आपको जरूर बोलेंगे कि आपके पिछले जन्मों के बहुत पुण्य है तभी आप यहाँ आए हो और यहाँ बैठे हो ये बात जरूर बोलेंगे हाँ ठीक है यह भी बात सत्य है कि कोई पुण्य के प्रभाव से ही इन सब विषयों में आगे बढ़ पाता है परंतु उनका उद्देश्य है कि आप हमारे यहाँ आए हो आपके पुण्य है कहीं और संस्था में जाओगे तो आप भटके हुए हो आप भ्रमित हो किसी और गुरु के चेले बन जाओगे तो तो आप भ्रमित व्यक्ति हो हमारे बनोगे तो आप सही व्यक्ति आप समझदार व्यक्ति हो तो इस तरह का वो और वो फिर ब्रह्म ज्ञान आपको दे देंगे तो क्या वाकई में आपको ब्रह्म ज्ञान मिल गया और क्या वाकई आप ब्रह्म ज्ञानी बन गए चिंतन करें मनन करें विवेक चूड़ा मन ही पढ़े और खुद समझें जरूरी नहीं है कि आप मेरा वीडियो ही सुनकर समझेंगे आप खुद भी पढ़कर समझें कि ब्रह्म ज्ञान वास्तव में किसे कहा जा रहा है कौन सी अवस्था को कहा जा रहा है ठीक है तो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म तत्व का सही सही ज्ञान होना स्पष्ट ज्ञान होना ही ब्रह्म ज्ञान है उसके पहले अंतर्मुखी कई अनुभूतियां होती हैं ध्यान योग के मार्ग पर जब साधक चलता है प्रारंभ से वृत्तियों का निरोध करते हुए वासना त्रय का क्षय करते हुए अपने मन को एकाग्र करते हुए तो अपने घट में वह ज्योति का दर्शन करता है वह नाद का दर्शन श्रवण करता है नाद ध्यान करता है ज्योति साधना करता है और यह सब करते हुए अपने आप को सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्था में ले जाता है परमात्म भाव में अपने आप को स्थापित कर देता है और निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति करके वह ब्रह्म तत्व का ज्ञान कर लेता है तो गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि ब्रह्म समाधि से पहले निर्विकल्प समाधि से पहले ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता वैसे तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड और संपूर्ण जगत ही ब्रह्ममय है यह भी ब्रह्म से ही प्रकाशित हो रही है परंतु फिर भी ब्रह्म तत्व का ज्ञान निर्विकल्प समाधि से पहले नहीं माना जा सकता क्यों नहीं माना जा सकता क्योंकि जो भी अनुभूतियां होंगी उसमें वृत्ति का मिश्रण जरूर होगा वह वृत्ति रूप ही होगी अगर मान लीजिए कि प्रकाश या नाद ध्यान भी होता है तो बड़ी तीव्रता से यह अभ्यास ज्योति साधना का अभ्यास या नाद ध्यान का अभ्यास जिन्होंने कर लिया है जिन्होंने कर लिया है ध्यान योग का कोर्स वो भली भांति इस विषय को जानते हैं तो इसका अभ्यास करने से हम अति सूक्ष्म अवस्था में उतर जाते हैं एक ही भाव होना हमारे लिए सरल हो जाता है तो यह भी एक साधन है यह भी मार्ग में मिलने वाली श्रेष्ठ अनुभूतियां हैं परंतु यह भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है आपने घट में ज्योति दर्शन करना शुरू कर दिया या नाद सुनना शुरू कर दिया तो इसको भी ब्रह्म ज्ञान नहीं क्योंकि यह भी वृत्ति युक्त है यहां वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ अभी तक और इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर साफ साफ शब्दों में कह दे रहे हैं कि मात्र निर्विकल्प समाधि में ही ब्रह्म तत्व का ज्ञान होता है स्पष्ट ज्ञान होता है स्पष्ट शब्द का प्रयोग है स्पष्ट ज्ञान होता है उसके पहले जितनी भी अनुभूतियां आती हैं वह प्रतिबिंबित और वृत्तियों से भरी होती हैं, वृत्तियों से दूषित होती हैं वृत्तियों से वह दूषित होती हैं, ऐसा भी शब्द प्रयोग हुआ है तो इसीलिए हम उन दूषित अनुभूतियों को कई बार सूक्ष्म अनुभूति या आत्म अनुभूति तो कह सकते हैं परंतु उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं कह सकते यह बात गुरु शंकराचार्य यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं इस श्लोक के अंतर्गत वो क्या कहते हैं उस पर विचार कर लेते हैं तो जैसा कि पहले ही हमने निधिध्यासन के विषय को लिया था तो वहीं से लेते हैं तो कहते हैं श्रुतः शतगुणम विद्यान मननम मननादपी निधिध्यासम लक्ष्य गुण मनंतम निर्विकल्पकम वेदांत के श्रवण मात्र से उसका मनन सौ गुना अच्छा है और मनन से लाख गुना श्रेयस्कर निधि ध्यासन है और निधि से अनंत गुना बढ़िया निर्विकल्प समाधि है उसका महत्व अधिक है आगे कहते हैं निर्विकल सधिनाफुट निर्विकल सधिनाफुटम समाधिना ध्रुव ब्रह्म तत्व वगम्यते ध्रुवम नान्यथा चलतया मनोगते प्रत्यांतर विमिश्रित भवेत निर्विकल्प विमिश्रित भवेत मतलब मिश्रित चीजें होती हैं नाम सधीनाफुट मतलब स्पष्ट ब्रह्मतत्व्य ध्रुवम ब्रह्म तत्व वगम्यते ध्रुवम निर्विकल्प समाधि के द्वारा निश्चय ही ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है इसका अर्थ यह हुआ पहले लाइन का जो है फिर कहते हैं और किसी प्रकार भी वैसा बोध नहीं हो सकता है देखिए कितना एक एक चैलेंज वाली बात यहां पर की जा रही है चुनौती वाली बात इसीलिए आपको मैं एक यहां पर देखिए अब क्या है कि कई लोगों को बहुत बुरा लग जाता है फिर वो कमेंट करते हैं कि आप अपना ज्ञान दीजिए दूसरों की बुराई मत बताइए ये कहना मैं किसका बुराई कह रहा हूं भाई यहां जो इस श्लोक में बात कही जा रही है मैं बस उतना ही बात कह रहा हूं मैं उतनी ही बात बस कह रहा हूं आदि गुरु शंकराचार्य साफ साफ से लिख रहे हैं कि निर्विकल्प समाधि में ही स्पष्ट ब्रह्म ज्ञान होता है और किसी भी दूसरे माध्यम से वैसा बोध नहीं हो सकता निर्विकल्प समाधि के द्वारा ही निश्चय ही ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है और किसी प्रकार वैसा बोध नहीं हो सकता क्योंकि अन्य अवस्थाओं में चित्तवृत्ति के चंचल रहने से चित्तवृत्तियां चंचलता पूर्वक चलती रहती हैं चित्तवृत्ति के चंचल रहने से उसमें अन्य अन्य प्रतीतियों का भी मेल रहता है अन्य अन्य अनुभूतियां वो मिली रहती हैं तो इसीलिए उसे हम ब्रह्म ज्ञान नहीं कह सकते दूसरा कोई तरीका भी नहीं चैलेंज भी कर दिया जा रहा है कि ब्रह्म ज्ञान होने का दूसरा कोई तरीका भी नहीं है मात्र एक निर्विकल्प समाधि की ही अवस्था है जिसमें सही सही ब्रह्म तत्व का ज्ञान स्पष्ट रूप से हो सकता है अन्यथा नहीं हो सकता है तो अब आप ही विचार करें कि आप जिन गुरु के पास गए हैं क्या आपने चवृत्ति का निरोध कर कर वृत्तियों के परे जाकर भावातीत अवस्था में निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लिया है जिन गुरु जी से आपने ब्रह्म ज्ञान लिया है या जिस भी संस्था में आप गए हैं जहां ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञानी होने का दावा होता है आप विचार करें क्योंकि उसके पहले वृत्ति मिश्रित होता है सब कुछ और अगर आप कहेंगे कि नहीं यह जो वृत्ति मिश्रित है वही ब्रह्म ज्ञान है तो भाई संसार को देखो ना खुली आंखों से यह जगत भी ब्रह्म में ही है इसमें भी वृत्ति मिश्रित है इसमें भी, भी वृत्ति मिश्रित है तो संसार को देख बोलो कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो रहा है क्यों नहीं बोल रहे फिर तो जैसी बच्चे ने जन्म लिया आंखें खोली उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया मानना पड़ेगा ठीक है तो ब्रह्म ज्ञान जो है निर्विकल्प समाधि में ही ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है दूसरा किसी भी माध्यम से नहीं हो सकता यह भी लाइन जुड़ी गई यह भी इसका भी दावा आदि गुरु शंकराचार्य यहां पे कर रहे हैं श्लोक के अंतर्गत क्या कह रहे हैं ब्रह्म तत्व वगम्यते ध्रुवम नान्यथा चलतया मनोगते प्रत्य आंतर विमिश्रितम भवेत नान्यथा चलतया मन और किसी भी माध्यम से इस ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है और किसी प्रकार से वैसा बोध नहीं हो सकता है जैसा कि निर्विकल्प समाधि में ब्रह्म तत्व का ज्ञान ज्ञान होता होता है ब्रह्म होता, उससे पहले नहीं होता ठीक है तो आप जब भी किसी गुरु जी या किसी महापुरुष को हो सकता है उनकी बहुत बड़ी संस्था हो उतनी उनकी उनके पीछे बहुत बड़ी भीड़ हो भीड़ होना स्वाभाविक है भीड़ इसलिए है क्योंकि आध्यात्मिक दरिद्रता है हमारे समाज में इस आध्यात्मिक देश में जिसकी पहचान अपने अध्यात्म के कारण पूरे विश्व में है उस देश में सामान्य जन में इतनी आध्यात्मिक दरिद्रता भर चुकी है कि क्या बताया जाए और उसी आध्यात्मिक दरिद्रता का लाभ जो है कुछ ऐसे लोग उठाते हैं जिनका उद्देश्य बहुत गलत होता है बहुत भीड़ इकट्ठा करना बहुत लोगों को वो करना और लोग जो है फिर वही बात शुरू हो जाती है क्या किया जाए जो नहीं होनी चाहिए वही शुरू हो जाती है वही घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है ठीक है तो इसी यही समस्या है और इसी समस्या से गुरु शब्द बदनाम होता है गुरु नाम बदनाम होता है आश्रमों पर उंगली उठा दी जाती है क्योंकि तो जिस लेवल की बात की जाती है उस लेवल तक बातें होती नहीं है लेकिन दिखावे में बहुत बड़े बड़े लेवल दिखा दिए जाते हैं बहुत बड़े बड़े शब्दों का भारी वजनदार शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है मोक्ष शब्द का प्रयोग ब्रह्म शब्द का प्रयोग ब्रह्म तत्व तो ये सब कितना वजनदार है कितना महत्वपूर्ण है और इनका अर्थ क्या है इसके समझने के लिए ही तो आप विचार करेंगे कि क्या वाकई में ब्रह्म ज्ञान आपको मिल चुका है या वाकई में आपको ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो गया है या फिर मात्र बातें हैं दूसरा एक और बात बता दूं मैं मैं ऐसी संस्थाओं में गया जहां के जो गुरु जी के चेले बेचारे पढ़ते बहुत कम क्योंकि गुरु जी ने अंगुली उठा के बेटा अध्ययन उतना ही करना जितना मैंने लिखा है और जितना मैंने बताया है उसके आगे शास्त्र अध्ययन करोगे तो भ्रमित हो जाओगे तो भटक जाओगे आदि गुरु शंकराचार्य का एक चीज रट्टी रट्टी हुई बातें होती उनके पास सीधा बोलेंगे शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम शास्त्र तो शब्द जाल है तुम उसको अपने मर्जी से पढ़ोगे अनुसंधान करोगे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा अरे तुमको तो इतनी आसानी से गुरु मिल गया अब क्या चाहिए अब क्या करोगे शास्त्रों का अध्ययन करके अब क्या करोगे वाणियों का अध्ययन करके क्या अनुसंधान करना है अब अब इसमें लगो अब तो गुरु जी मिल गया बस वही करते रहो और कुछ करने की जरूरत क्या है ठीक है तो कोई अनु सारे अनुसंधान बंद करवा दिए जाएंगे आपसे और वो बेचारे गुरु भक्ति में कुछ पढ़ेंगे ही नहीं वो उतना ही रटेंगे उतना ही पढ़ेंगे जितना गुरु जी ने सिखाया बस उससे आगे कोई मतलब ही नहीं तो समस्या भयंकर आध्यात्मिक दरिद्रता है शास्त्रीय ज्ञानों की दरिद्रता है सच्चाई तो यह है कि विधि पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन षड दर्शन का अध्ययन कराना चाहिए ये एक कोर्स में लाना चाहिए हमारे विद्यालयों के अंदर और जिस प्रकार से दूसरे धर्म हैं वो अपने अपने स्कूलों या अपने अपने चर्च मदरसों में पढ़ाते हैं अपने ग्रंथों को ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कम से कम जो मूल दर्शन है मूल शास्त्र हैं उनके अर्थों को सरल ढंग से सरल कर कर हाँ कठिन है सूत्रों को पढ़ना सूत्र वही पढ़ेंगे देखिए पुरानों को पढ़ना आसान है कथा कहानियां मिलती हैं थोड़ी रुचि जगेगी व्यक्ति पढ़ेगा लेकिन सूत्र जो है अगर जिसकी थोड़ी सी भी आध्यात्मिक रुचि नहीं है दार्शनिक भावना नहीं है दार्शनिक दृष्टिकोण जिसके अंदर नहीं है उसको सूत्र बहुत ही बोर महसूस होते हैं उबाऊ महसूस होने लग जाते हैं तो उनको रुचिकर बनाकर इंटरेस्टिंग बनाकर सरल ढंग से सूत्रों को समझाने की आवश्यकता है क्योंकि ज्ञान तो सूत्रों में है कॉन्सेप्ट जो है ना पुराणों में स्मृतियां हैं कथाएं हैं लेकिन कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं वो कॉन्सेप्ट सूत्रों में है वह वेदांत में है वह योग में है वह न्याय में है वह सांख्य में है वह वैशेषिक में है उनको समझाने की आवश्यकता है उन चीजों को समझने की आवश्यकता तब जाकर सही सही बात समझ में आएगी तो हमारे देश में भयंकर रूप से आध्यात्मिक दरिद्रता है जिसको खत्म करने की आवश्यकता है इसीलिए अब लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप गुरु जी हैं आप गुरुओं की कोई कमी नहीं है देश में कि मैं एक और गुरु बन के बैठ जाऊं ठीक है बस कुछ काम कर रहा हूं ताकि जो आध्यात्मिक दरिद्रता खत्म हो सके थोड़ा सा जागरूकता आए और जब आप गुरु बनाने जाओ गुरु जरूर बनाओ लेकिन आप कुछ ऐसा ज्ञान रखो कि जब आप किसी गुरु जी के पास गुरु बनाओ तो आपको समझ पैदा हो कि आपको सही सही चीज मिल भी रही है या बातें कुछ और हैं और चीजें कुछ और हैं बातें कुछ और हैं और चीज़ें कुछ और हैं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा शीशे का टुकड़ा पकड़ाकर आपको कहा जाएगा हीरा दे दिया हीरा दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगा और ज़्यादातर वही हो रहा है ज़्यादातर वही हो रहा है समस्या यहाँ पर है इसीलिए ब्रह्म ज्ञान अगर आपके गुरु जी ने ब्रह्म ज्ञान दे दिया है मतलब कि आप निर्विकल्प समाधि में पहुँच चुके हैं निर्विकल्प रहिए है, फिर क्यों दोबारा यहाँ भटक रहे हैं संसार में आकर भटकिए मत निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करने वाला योगी उसे दूसरों के कल्याण की चिंता भी नहीं होती क्योंकि तो दूसरों के कल्याण करने का मोह भी एक आसक्ति है एक अहंकार है कि मैं कल्याण करूंगा इसलिए मैं धरती पर आया हूं कि मैं कल्याण कुछ लोग आ, कहते हैं इस प्रकार से तो इसलिए ऐसी बात ना करके इस प्रकार का वचन का प्रयोग ना करके भ्रमित करने वाला वचन और कहीं ना कहीं स्वयं ना करके अपने कुछ चेलों से ही अपनी आत्म प्रशंसा करवाने का जो चीज़ें हैं और कई बातें हैं क्या किया जा सकता है उसके लिए ठीक है अभ्यास करें साधना करें अभ्यास करते करते सारी बातें समझ में आती है वेदांत अध्ययन भी करना चाहिए वेदांत श्रवण दर्शन मनन भी करना चाहिए तो बहुत सारी बातें स्पष्ट होती हैं तो मूल रूप से आज का जो हमारा विषय है वह यही है कि निर्विकल्प समाधि में ब्रह्म तत्व का ज्ञान होता है स्पष्ट रूप से और किसी भी प्रकार से ऐसा बोध नहीं हो सकता ब्रह्म तत्व का ज्ञान और किसी भी दूसरे प्रकार से नहीं हो सकता है एकमात्र निर्विकल्प समाधि में ही ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है ठीक है इसी चीज को हमें समझना है इसी विचार को लेकर जब भी कोई ब्रह्म ज्ञान का दावा करता है तो उनसे पूछ लेना है क्या आप निर्विकल्प समाधि में पहुंचा देंगे तो ठीक है तो आप बोलिए कि आप ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं अन्यथा आपको ज्ञान का मार्ग मिलेगा आपको ध्यान की विधियाँ मिलेंगी ध्यान का मार्ग मिलेगा जो दे रहे हो उसी का प्रयोग करो हम देते हैं ध्यान योग तो ध्यान योग का ही प्रयोग करते हैं ये जो कोर्स होता है यहाँ पर ध्यान योग की ही बात करते हैं कि ये ध्यान योग है ये कोई ब्रह्म ज्ञान वो हाँ आप करेंगे आप उस अवस्था तक पहुँचेंगे जहाँ ब्रह्म का संपूर्ण रहस्य आपके सामने प्रकट हो जाएगा ठीक है तो अभ्यास करते हुए आगे बढ़ने बढ़ते रहने से नित्य निधिध्यासन करने से ही इस लक्ष्य की प्राप्ति होती है और ब्रह्म ज्ञान भी होता है तो जिज्ञासु इसी के साथ विराम देंगे ध्यान योग करना चाहते हैं आप अवश्य आप ध्यान योग करिए जो कि शुरू होगा चौदह जनवरी से आप इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए तो बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़े रहने के लिए साथ में प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी पर भी चर्चा उसमें हम दे रहे हैं कोर्स दे रहे हैं तो उसको भी आप ज़रूर लाभ उठाएं इस पर इन दोनों का संबंध के ऊपर भी हम पहले आपको वीडियो दे चुके हैं तो ज़रूर आप समझें कि उसका क्या महत्व है प्राकृतिक चिकित्सा का भी बहुत महत्व है और उसको अपनाते हुए हम अपने जीवन में इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं तो चलिए बहुत बहुत आभार आप सभी का